दोस्तों देख सकते हो अब यहाँ पर ये मछलियां हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चल आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल चहल ऑफिशियल में। दोस्तों आज मैं आया हूँ कांकरिया लेक, तो आप लोगों को इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि कांकरिया लेक जो अहमदाबाद की है वो कैसी है। काफ़ी मज़ेदार जगह है क्योंकि बीच में इसमें पानी है और चारों तरफ घूमने का, नाश्ता करने का, बच्चों के लिए झूले वगैरह और सब चीज़ें हैं। ट्रेन है पूरी इस कांकरिया लेक को दिखाने के लिए, चिड़ियाघर भी इसके अंदर है, तो सब चीज़ें इसके अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बोटिंग की फैसिलिटी भी है। तो चलिए दोस्तों, कांकरिया लेक का जो ये व्लॉग है इसमें आप लोगों को मैं घुमाता हूँ और वीडियो को पूरा देखते रहिए, बड़ा एंटरटेनमेंट आएगा आप लोगों को भी, बड़ा मज़ा आएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों ये बोटिंग की जगह है जहाँ पर बोटिंग की फैसिलिटीज़ दी गई हैं। ये आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ी ये जगह है और ये चारों तरफ राउंड सर्कल में है, पूरा का पूरा घूमने की जगह है, काफ़ी सारी पब्लिक। लेक के अंदर किसी का दिल का बलून लेकर के फोटो सेशन चल रहा है, मस्ती मजाक चल रही है। छोड़ गया, पकड़ा भाई पकड़ा। यही देख सकते हो कि यही वो झूला है जो एक बार टूट गया था और काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर गुजर गए थे, शायद 20-30 लोगों की जो डेथ हो गई थी इसी झूले के ऊपर, काफ़ी बड़ा हादसा हुआ था। तो ये एक झूला है लेकिन उसको रिपेयर करके अब तोके हो गया। ये यहाँ पर हर तरीके की फैसिलिटीज़ है, टॉयलेट वगैरह की अच्छे से फैसिलिटीज़ दी गई है जगह जगह पर। दोस्तों कांकरिया लेक है काफ़ी अच्छी जगह है, जो कि 10 रुपये यहाँ पर पैसेंजर जो टिकट लगती है पर जो भी बंदा यहाँ पर घूमने के लिए आता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे आप लोग देख सकते हो कि ये जो गटर की एक तरह से पानी के अरेंजमेंट कर रखा था ये टूटा हुआ है, ये रिपेयरिंग के वर्क भी यहाँ पर होने चाहिए अच्छे से। तो खाने के यहाँ पर अच्छे से अरेंजमेंट किए गए हैं दोस्तों, आपको हर तरीके का यहाँ पर खाना मिलेगा, फास्ट फूड आइटम्स वगैरह आप लोग देख सकते हो कि पूरे पूरे स्टॉल है, चेयर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर लगी हुई है। तो दोस्तों ये पीछे आप देख सकते हो यहाँ पर ये चिड़ियाघर है, तो मैं चिड़ियाघर की यहाँ पर कितनी क्या टिकट है वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, काफ़ी रश है यहाँ पर क्योंकि चिड़ियाघर के अंदर यहाँ पर टाइगर, शेर, एलिफेंट, डियर और भी काफ़ी सारे जानवर हैं, मंकीज हैं, स्नैक्स वगैरह हैं, तो बहुत कुछ है यहाँ पर जो चिड़ियाघर में जो होता है हर जगह पे, तो यहाँ पर भी है। तो चलिए दोस्तों अब मैं वहाँ पे आपको दिखाता हूँ विंडो के पास चलते हैं। तो दोस्तों ये जो चिड़ियाघर इसका नाम है कमला नेहरू जूलॉजिकल गार्डन, और यहाँ पर जो चार्जेज हैं, फीस है, टिकट के जो रेट हैं वो अडल्ट के 50 रुपीज़ है और बच्चों के 20 रुपीज़ है, तो 50 रुपये पर पर्सन यहाँ पर एंट्री है, टिकट है जो। और यहीं पर टिकट विंडो है, जैसे काफ़ी लाइन लगी हुई है, काफ़ी रश है यहाँ पर। आप लोग पीछे देख सकते हो यहाँ पर मछलियाँ वगैरह हैं, लोग उनको खाना खिला रहे हैं। चलिए अभी नज़दीक से जा करके उनको देखते हैं। सब मुँह खोल रही हैं, एक हाथ का मोबाइल नीचे जाए। दोस्तों देख सकते हो अब यहाँ पर ये मछलियाँ हैं और लोग इनको खाना खिला रहे हैं। मस्ती मजाक हो रहा है मछलियों के साथ।
दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो रेनोवेशन का काम है वो भी चल रहा है, लेबर काम कर रही है। तो क्योंकि कांकरिया लेक है, पब्लिक बहुत आती है और काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है, तो संभाल इसकी बड़ी अच्छे से रहती ही है। स्पीड बोट उसका 130 पर पैसेंजर, नौका विहार बोटिंग, अलग अलग जगह पे अलग अलग है। तो दोस्तों ये सेकंड नंबर फूड स्टॉल है जहाँ पर आप लोग नाश्ता वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, आइसक्रीम वगैरह है, फास्ट फूड आइटम्स है, डोसा वगैरह है, सब कुछ खाना यहाँ पर मिलता है, पाव भाजी वगैरह भी सब मिलती है। तो जगह जगह पे हर तरीके का यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया है, फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी दी गई हैं और वेल मेंटेन कांकरिया लेक को रखा गया है। तो नाश्ता पानी की हो या खाने पीने का हो, बाथरूम वगैरह हो, घूमने फिरने के लिए काफ़ी अच्छा है, पब्लिक बहुत ही एंजॉयमेंट करती है। एक बेस्ट पिकनिक प्लेस है अहमदाबाद का ही बोला जाता है। मंचूरियन, पाव भाजी, छोले भटूरे, मसाला डोसा, पोहा, पुलाव, पानी पूरी, दही पूरी, सेव पूरी, भेज पूरी, हर तरीके का नाश्ता यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मिल सकता है। मैं पूरा मेन्यू के साथ आप लोगों को ये रेस्टोरेंट प्लेस दिखा रहा हूँ। मेरे पीछे हॉरर हाउस है जहाँ पर अलग अलग तरीके से इन्होंने ड्राउनी जैसे चीज़ें लगा रखी है मिरर वगैरह के साथ में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है, थोड़ा ड्रावना भी रहता है। तो आप लोग देख सकते हो बाहर इन्होंने फोटोज लगा रखी हैं और अंदर ऐसा ही है। मैं भी कभी गया नहीं हूँ, लेकिन अभी तो बंद भी रखा हुआ है, लोक मार रखा है यहाँ पर। इसकी जो टिकट है वो 70 रुपीज़ की है, लेकिन एंजॉयबल काफ़ी मिलता है यहाँ पर भी, बच्चों के लिए मस्ती वगैरह बहुत रहती है। लोग हैं, फोटो सेशन काफ़ी करते हैं क्योंकि एक नई जगह है लोगों के लिए एंजॉयमेंट के लिए। ये मेरे दोस्त वो भी फ़ोटो सेशन कर रहे हैं और ये आप लोग देख सकते हो यहाँ से कांकरिया लेक का पूरा व्यू आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। चलिए मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ, पूरा राउंड शेप है ये, लोग घूमते जाओ करीब 1.5 से 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर तक ये आ जाता है होगा एरिया से, 1.5-2 किलोमीटर तो आराम से होगा। नाश्ता वगैरह करो, झूले वगैरह झूलो, सब तरीके की यहाँ पर फैसिलिटीज है। चिड़ियाघर देखो, तो ये ट्रेन टिकट विंडो है, इसके अंदर एक मिनी ट्रेन, छोटी सी ट्रेन रहती है जो पूरे कांकरिया लेक के चारों तरफ घूमती है। तो आप लोगों ने पटरी भी अभी देखी होगी, मैं फिर भी दिखा देता हूँ। और इसका जो फेयर है वो अडल्ट के लिए 30 रुपीज़ है और बच्चों के लिए 12 रुपये है। 3 से 12 साल के जो बच्चे हैं उसका 12 रुपये है और जो अडल्ट है उसका 30 रुपये ट्रेन का जो फेयर रखा है। लेकिन कोरोना की वजह से वो अभी ट्रेन इन्होंने यहाँ से हटा रखी है, ट्रेन भी नहीं है। लेकिन वो आप लोगों को मैं पहले भी यहाँ पर घुमा हुआ हूँ, तो वो सब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा मेरे फोटोज़ वगैरह में भी और छोटी सी वीडियो भी डाल करके, जो मैं पहले घूम के गया था, वीडियो भी बना रखी है मेरे पास, वो मिल जाएगी। तो अभी जो ट्रेन है वो कोरोना की वजह से यहाँ पर इन्होंने नहीं लगाई हुई है। ये ट्रेन की जो इन्होंने ट्रैक डाल रखा है पूरा ऐसे ही, पूरे इसके चारों तरफ है ये कांकरिया लेक के चारों तरफ राउंड धाम है, मंदिर है जो कांकरिया लेक के अंदर ही है, बाबा दयाल धाम का, तो काफ़ी अच्छा है। हनुमान जी का ये मंदिर है, श्री हनुमान चालीसा। तो दोस्तों एक नॉक्टर्नल जू है, तो यहाँ पर भी टाइगर लाइन वगैरह सब बना रखी है, हो सकता है ये जो जू है उसी की एंट्री एक हो यहाँ से। अलग अलग जगह पे इन्होंने टिकट विंडो लगा रखी है, जैसे गेट भी अलग अलग हैं तो जू में जाने के लिए भी अलग अलग हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी नाश्ता वगैरह का सब अरेंजमेंट है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो ये जो बच्चे हैं, एक तरह से एक जो ट्रैकिंग टाइप का बोले या फिर जो होता है कि ऊँचाई पर चल के उनको चेन वगैरह बांध दी जाती है और उसके ऊपर इनको चलना रहता है, तो काफ़ी रिस्केबल रहता है, काफ़ी हिम्मत चाहिए इन सब चीज़ों को करने के लिए। तो ये देख लीजिए, ये भी एक अच्छी फैसिलिटी दी गई है बच्चों को ट्रैकिंग के लिए, मस्ती करने के लिए, उनका हिम्मत देखने के लिए, खुद के कॉन्फिडेंस देखने के लिए भी। कांकरिया लेक का अच्छा मज़ा ले रहा है, आप लोग देख सकते हो दोस्तों। ये सामने बटरफ्लाई पार्क है, अरेंजमेंट सारी दे रखी है यार कांकरिया लेक के अंदर, मतलब घूमने के, मस्ती करने के अलग अलग। हाँ हाँ हाँ, बहुत अरेंजमेंट, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। फोटोग्राफर, फोटो शूट चल रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं मजाक मस्ती के साथ में बटरफ्लाई पार्क के सामने फोटो शूट हमारे पवन भाई का।
अरे एक बार करो ना, अरे वीडियो बना रहा हूँ, करो करो। लोग हमने तो बहुत इंजॉय किया यहाँ पे, फैमिली के साथ आ सकते हो, दोस्तों के साथ इंजॉय करने आ सकते हो, मतलब एक बहुत ही अच्छी जगह है। बच्चों के साथ तो बेसिकली आपको सबको आना ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चा भी इंजॉय कर सकता है, आपकी वाइफ भी इंजॉय कर सकती है। ये वीडियो और बनाने जो बैचलर का जो पर्पस है चहल ऑफिशियल चैनल पर, वो भी यही है कि इस वीडियो के द्वारा कांकरिया लेक के बारे में आप लोगों को अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे जाए कि चिड़ियाघर है, जियोलॉजिकल पूरा का पूरा पार्क है, वहाँ पर लायन टाइगर बहुत सारे जानवर मिलेंगे, बोटिंग कर सकते हो, उसके बाद खाने के लिए जगह जगह पहले अरेंजमेंट है, टॉयलेट्स वगैरह की भी पूरी सुविधा यहाँ पर दी गई है इसके अंदर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पीछे साइकिलिंग का भी अरेंजमेंट है। वाह यार, और ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस ये टिकट भी नॉमिनल है सब। ये आप लोग देख सकते हो पीछे मेरे साइकिलिंग अरेंजमेंट किए गए हैं कि साइकिल वगैरह ले करके यहाँ पर घूम सकते हैं। और चार्जेस भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल। हाँ, झूले काफ़ी बड़े बड़े झूले भी हैं, अभी वो बंद कर रखे हैं यहाँ पर, क्योंकि कोविड चल रहा है, कोरोना की वजह से झूले वगैरह को इन्होंने ज़्यादा अलाउड नहीं कर रखा है, क्योंकि अभी वैक्सीन आई है, जैसे ही वो मैटर क्लोज होगा उसके बाद सब वो ओपन हो जाएगा, अभी घूमने के लिए जस्ट अलाउड किया है। जी बरवाजी, हो गया फोटोशूट, आप भी बटरफ्लाई बनो। ये बात, ये लग रहा है बिल्कुल मैचिंग हो रही है, अगर कलर ब्लैक कर दें तो सेम लगेंगे भाई बहन। बीचों बीच ले लिया आपने, वो देखो ना बटरफ्लाई का, मैं वीडियो में लेता हूँ बीचों बीच। डबल सीटर है ये, साइकिलिंग टुगेदर जो लिखा हुआ है आप लोगों ने फोटो में देखा है, तो वो सब साइकिल हैं जो डबल सीटर है, मतलब दो इंसान बैठ करके साइकिलिंग कर सकते हैं। मेरा दोस्त है जो साइकिलिंग कर रहा है, थ्री राउंड लगा सकते हो ना। क्या हुआ? अरे अभी एक चक्कर हो रहा है, हाँ तो फिर क्या हो गया, परेशान हो रहा है? हाँ तो लगा रहा, फिर पावर वाली कितना, 50 रुपीज के तीन राउंड के हैं वो सामने तक के। बोझ कंपनी की है, कैसा रहा पवन भाई? बहुत मजा आया, सब लोग आपने मजे ले लिए। नहीं बस चलो हम तो चलते हैं। ये मेन गेट है और हम जिस गेट से आए थे वो दूसरा गेट है, टोटल 6 से 7 यहाँ पर गेट है। आगे BRTS का स्टॉप है कांकरिया लेक का, आप लोग देख सकते हो, जूमिंग करके दिखा देता हूँ मैं। BRTS जो बस अहमदाबाद में काफ़ी अच्छी सर्विस है, उसके पूरे अहमदाबाद को कवर करती है, यही गेट सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा गेट है, बाकी छोटे छोटे पूरे कांकरिया लेक के चारों तरफ इन्होंने गेट बना रखे हैं। और यहाँ से कांकरिया लेक का व्यू कैसा है वो भी आप लोगों को मैं दिखा सकता हूँ। जय शिव शंकर की। तो दोस्तों कांकरिया लेक में जो हमारा घूमना था आप लोगों ने अच्छे से देखा तो पूरा हो गया है, और अभी हम बाहर निकल रहे हैं, कांकरिया लेक को बाय बाय कर रहे हैं।
आप लोग भी वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अच्छे से, और कैसी लगी है वो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, यही वीडियो पर मैं एंड करता हूँ इसको।